के बीच जिस तरह से तनाव हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम भी तेज हो गई है और खास तौर पर चीन की ऐप टिकटॉक को लेकर लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़क रहा है। अब चीन की इसी ऐप को टक्कर देने के लिए भारत में एक ऐप आ गई है जिसका नाम है रोपोसो। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सरकार का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट इंडिया भी इसमें अकाउंट रखता है। रोपोसो लेकिन है क्या? दरअसल रोपोसो एक भारतीय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स वीडियो और इमेजेस शेयर करते हैं। वैसे तो इस ऐप को साल 2014 में 19 नवंबर को रिलीज किया गया था, लेकिन ऐप के लेटेस्ट वर्जन को 10 जून 2020 को रिलीज किया गया, जिसके बाद से इस ऐप को लोग लगातार डाउनलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस ऐप के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यह ऐप 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें 25 चैनल्स हैं। ये ऐप 15 से 35 वर्ष के युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो भारत की ज्यादातर आबादी को देखकर बनाया गया है। रोपोसो को गूगल प्ले पर 4.7 स्टार मिले हैं और अब तक इसके 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। साल 2019 में नवंबर में इस ऐप का अधिग्रहण इन मोबीज ग्लैंस ने किया था। वहीं 15 अगस्त 2016 को एप्पल ने रोपोसो को अपने इंडियन इंडिपेंडेंट डे स्पेशल एडिशन में फीचर किया था। इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसे दिल्ली IIT के छात्रों ने तैयार किया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और कई तरह की एडिटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि टिकटॉक का तिलिस्म तोड़ने में ये कितना सफल हो पाता है ये तो भविष्य तय करेगा। वहीं टिकटॉक को टक्कर देने के लिए सिर्फ रोपोसो अकेला नहीं है, बल्कि मित्रों और बोलो इंडिया भी मार्केट में अवेलेबल हैं।